नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने आज 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया है। इसके साथ ही पीएम द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक टेस्ट मैनेजमेंट रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया गया। बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट 58 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता का संबोधन भी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। परे बीज फल देते देत, यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवा धन तैयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष्क के साथ जो हमारा वैज्ञानिक तैयार होगा, जो यहां पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था, किसानों का ज्यादा नुकसान होने से बचाने का भरपूर प्रयास किया गया था। मैं समझता हूं इस नए संस्थान पर बहुत बड़ा दायित्व है और मुझे विश्वास है कि यहां काम करने वाले वैज्ञानिक देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथियों, खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपनी जो जमीन है उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उस जमीन की क्या शक्ति है,
किस प्रकार के बीज बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से अधिक लाभ होता है, दवाइयां कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण कि इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है। उसी प्रकार से यूरिया की 100% से 100% निम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया, बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। उसके कारण किसानों को पानी मिल जाए तो वो पानी से पराक्रम करके दिखाता है। उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास किया। कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की बंदिशें लगा दी गई थी। शादी या किसी भी तरह के समारोह में भी सीमित संख्या में लोगों को जाने की इजाजत थी। हालांकि कोरोना का असर कम होता देखकर अब सरकार धीरे धीरे रियायतें दे रही है और अब यूपी सरकार ने प्रदेश में शादी और अन्य समारोह के आयोजन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब खुले स्थानों पर शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी गई, जबकि समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या एरिया पर निर्भर करती है। योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजनकर्ता को प्रदेश द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी करनी होगी। इससे पहले योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी और अब शादी और समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई है। आपको बता दें कि पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर सभी राज्य पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में यूपी भी पहले नंबर पे था और तमाम दिशा निर्देश जारी किए हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे रियायतें मिलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मामले देखे जा सकते हैं, लेकिन अब भी लापरवाही नहीं बरतनी है। शादी समारोह के लिए खुले मैदान में आप आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सीमित संख्या में, एरिया के हिसाब से भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में बदर अपराधी और सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई सामने आई, जहां पर मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडों अवैध असलों से लैस सपा नेता ने फायरिंग के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर को जमकर पीटा भी। इसी के साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं घटना से आहत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीकांत मिश्र और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने 307 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों जो हैं उनकी तलाशी शुरू कर दी है। दरअसल ये हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और एक और हमला इस कड़ी में जुड़ गया, वो था सपा नेता ने प्रधानपति पर जो हमला किया और लाठी डंडों से जमकर उनकी पिटाई की है। सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई कैमरे में कैद हो गई, वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फरुखाबाद के विधानसभा क्षेत्र कायमगंज में सूबे में सरकार बनते ही योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन ये दावा शायद कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। फरुखाबाद में नवाबगंज से अशरा जाने वाली सड़क इन दिनों खस्ता हाल में है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हादसे को दावा दे रहे हैं। सड़क का आलम यह है कि सड़क से गुजरने वाले वाहनधारियों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी सड़कों की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही। सालों बीतने के बाद भी अचरा नवाबगंज मार्ग की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। सड़क से गुजरने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना कर अपने अपने घर पहुंचते हुए वो नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फरुखाबाद की, जहां पर
ये वादा किया गया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन ये वादा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, और या ये कहें कि कागजों में ही नजर आता है, क्योंकि धरातल पर की जो हकीकत है वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सड़क है जो कि पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। बरेली के थाना बिशारतगंज क्षेत्र में ग्राम अतरछेड़ी के महिपाल का गांव के पास रोड पर बने ट्यूबवेल शव पड़ा मिला। वहीं महिपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बरेली का एक बुरा मामला है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोरखपुर के कुशीनगर में सत्ता दल के पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी साही ने सूबे के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल और अपर पुलिस अधीक्षक एपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की छवि धूमिल करने का दावा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश के राजनीतिक इतिहास में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार छवि का नेता कोई नहीं है, लेकिन जिले के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यशैली से न सिर्फ सरकार को बदनाम किया जा रहा है बल्कि योगी आदित्यनाथ के संकल्प अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना को भी नाकाम किया जा रहा है। अपने पत्र में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी शाही ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल और अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह द्वारा बड़े स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों से पशु और शराब की अवैध तस्करी करवाई जा रही है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से मांग की है कि एसपी और एसपी की कार्यप्रणालियों की जाँच कराकर विभागीय कार्रवाई भी की जाए। तो एसपी और एसपी पर गंभीर आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी शाह ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भेजा है और पत्र में शिकायत की है, साथ ही साथ कहा है कि एसपी और एसएसपी की कार्यप्रणालियों की जांच कराकर विभागीय कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल और अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह द्वारा बड़े स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु और शराब की अवैध तस्करी करवाई जा रही थी, जिसको लेकर यह पत्र लिखा गया है और जांच करवाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बने धर्मवीर प्रजापति मूल निवासी हाथरस की सहपाऊ ब्लॉक के गाँव बदरोए के रहने वाले हैं। इस गांव से पहले रामजीलाल सुमन भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं। इस गांव के हाईकोर्ट को जज, यूनिवर्सिटी को कुलपति, आईएएस विधायक, सांसद दिए हैं। वर्तमान में राज्य मंत्री बने धर्मेंद्र प्रजापति माटी कला के अध्यक्ष, संघ के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जनक भी है। अयोध्या दीपोत्सव में उनके द्वारा ही डिजाइन किए गए दीपकों से रामलला के मंदिर को रोशन किया गया था। पर वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति के छोटे भाई छोटेलाल प्रजापति आज भी गांव में गोलगप्पे और चाट का एक ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा लगता है, गांव को भी अच्छा लगा और क्षेत्र को भी अच्छा लगा। आपके छोटे भाई काम से भी मतलब प्रसन्न है, गांव के जो लोग काम करा चुके हैं और गांव आसपास भी खुश है। क्या किया उन्होंने, क्या स्पेशल रहा उनका? अच्छा रहा था। नहीं, क्या करते थे वो, क्या उनकी ललायत थी? जैसे आपने ठेला चुना वो कार्य के लिए कहीं, क्योंकि भाजपा से बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो, बहुत समय से। किस चीज की ललायत रहते थे? अब तो वो आगरा रहने लगे थे, डॉक्टरी लाइन करते थे। डॉक्टरी करते थे भाई हैं जो कि ठेला लगाते हैं, और यही विडंबना है कि लगातार यहाँ से कई सांसद कई जज मिल चुके हैं हाथरस से, लेकिन अब भी राज्य मंत्री के जो भाई हैं वो यहाँ पर ठेला लगाते हुए नजर आते हैं।
देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस क्रम में सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई साइकिल यात्रा मथुरा पहुंची, जहां रैली में शामिल सीआरपीएफ के जवानों का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। बता दें कि इस रैली को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली पहुंचना है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसकी जानकारी देते हुए मथुरा के डीएम नवनीत चहल ने बताया कि ये रैली सीआरपीएफ के जवानों द्वारा निकाली जा रही है और इसी के साथ असम से भी एक साइकिल यात्रा मथुरा पहुंची थी। इन दोनों को आज मथुरा से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में एक साइकिल रैली सीआरपीएफ के द्वारा कन्याकुमारी से चलती हुई आज कल हो रही थी और आज ये यहां से फ्लैग ऑफ होके 2 अक्टूबर को राजघाट जाएगी। इसी प्रकार से एसएसबी की एक रैली आसाम तेजपुर से चलती हुई 1 महीने से पूर्व से ही और कल मथुराई और आज यहाँ से 2 अक्टूबर को राजघाट पहुँचने के लिए फ्लैग ऑफ की गई है। दोनों ही रैली आज प्रातःकाल हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा फ्लैग ऑफ की गई। यहाँ से मथुरा से उनका स्वागत यहाँ पर मथुरा में किया गया और इसका मुख्य रूप से ये कारण है कि जो आज़ादी का हमारी 75वीं वर्षगांठ होने वाली है, उस दौरान हमारे जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने बलिदान दिया आज़ादी प्राप्त करने के लिए, उसे हम सभी लोग याद करें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन याद करें। इसे सभी विभागों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आयोजित संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने नवीन पार्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पार्क में चल रहे सभी कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि सालों से नगर पालिका शहर से सटे देवहा नदी के किनारे शहर भर का कूड़ा डलवा रही थी, जिसके चलते यहां कूड़े का अंबार लग गया, जिसे हटवाकर अब इस जगह को बेहद खूबसूरत पार्क में तब्दील किया जा रहा है। बता दें कि ये पार्क आपको बरेली से पीलीभीत में एंट्री करते ही नजर आएगा। इस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ही पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। शहर की ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पार्क बनाया जा रहा है। देवा नदी के तट पे यहाँ पे कुछ महीनों पहले तक पालिका द्वारा शहर का कूड़ा डाला जाता था। लगभग 4 महीने पहले मेरे द्वारा इसका निरीक्षण करा गया था। सभी अधिकारियों की टीम को भी यहाँ पे निरीक्षण कराया गया और उसके बाद एक योजना बनी कि हम इस स्थान को जहाँ नदी के तट पे है, जिससे जल प्रदूषण और अन्य तरह के प्रदूषण भी होते हैं, उसको किस तरह से सौंदर्यीकृत करते हुए एक पार्क के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद से तेज़ी से काम हुआ है और आज इसका फिर से मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया। लगभग काम पूरे हो चुके हैं और अब हम इसको जल्द ही आने वाली गांधी जयंती के उपलक्ष्य में है राजघाट पार्क के रूप में है जनपद वासियों को समर्पित करेंगे। ये एक ऐसा स्थान हो जाएगा जहाँ शहर में घुसने से पहले ही लोग अपने परिवार के साथ आ पाएंगे, बच्चों के लिए यहाँ झूले होंगे, कैंटीन की व्यवस्था होगी, लाइट की अच्छी व्यवस्था होगी। जिस स्थान पे एक समय कूड़ा डाला जाता था, वहाँ पे अब लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आ पाएंगे हैं और आनंद ले पाएंगे। मथुरा के वृंदावन में प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता निरुद्धाचार्य महाराज ने अपने 31वें जन्मोत्सव के मौके पर वृंदावन के सभी साधु संतों का सम्मान किया और साथ ही अपने 31वें जन्मवर्ष गांठ के मौके पर गरीब कन्याओं का विवाह कराने का भी निर्णय लिया है। इस मौके पर जिले के सभी गणमान्य संत, महंत और महामंडलेश्वर मौजूद रहे। इस दौरान निरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि आज ब्रजवासियों के दास का जन्मोत्सव है और आज से उनके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाएगा। जो कोई भी कन्या के माता पिता अगर चाहें तो ये दास अनुदाचार्य उनकी पुत्री का विवाह धूमधाम से कराने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके आश्रम की गौरी गोपाल रसोई भी सभी भक्तगणों के लिए खुली हुई है। कोई भी भक्तगण परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल रसोई पहुंचकर प्रसाद पा सकता है। आज दास अनिरुद्ध का जन्मदिन है तो आशीर्वाद देने के लिए सभी संतों का आगमन हुआ है और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसी प्रकार से सेवा होती रहे और माताओं की, वृद्ध माओं की सेवा होती रहे, अन्य क्षेत्र की सेवा होती रहे। ये सभी संत लोगों का आगमन हुआ है और आप सभी का ये प्यार स्नेह होगा। और क्या संतों का यहाँ आगमन हुआ है, चल रही है, अष्टोत्तर चल रहा है, वृद्ध माओ की यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं और गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, जो निरंतर कोई भी आए, कितने भी लोग आए, सबको भोजन प्राप्त होता है। ये सारी सेवाएं आप सभी के स्नेह प्यार से चल रही है।
आज हमने संकल्प लिया है कि जो भी गरीब परिवार की बेटियां वो यदि माँ बाप चाहें तो यहां आकर के और दुल्हा दुल्हन आए और ये दास अनिरुद्ध उनका कन्यादान करने के लिए तैयार है, जो भी बन पड़ेगा दान दक्षिणा देकर विदा करेंगे। आगरा में वायरल बुखार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां संदिग्ध बुखार के चलते एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे को 2 दिन से बुखार आ रहा था और बच्चे के परिजन फतेहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल से बच्चे का इलाज करा रहे थे। वहीं जब बच्चे की हालत में कुछ सुधार नहीं आया और बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने बच्चे को आगरा के लिए रेफर कर दिया, जहाँ आगरा पहुँचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। पिनाहट कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला पूरनपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका असर अब भी लगातार कई गांव में देखने के लिए मिल रहा है। आगरा के डॉक क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया तब तालाब में कूड़ा डालते वक्त एक किशोर के तालाब में डूबने लगा। वहीं बच्चे को तालाब में डूबता देख पिता ने बच्चे को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद पिता ने बच्चे को तो तालाब से निकाल लिया पर खुद तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना डॉकी क्षेत्र के गांव नीवरी का पूरा मामला। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चे को बचाने के लिए पिता ने तालाब में लगाई छलांग, लेकिन बच्चे को बचाने में पिता सफल तो रहे लेकिन खुद को नहीं बचा सके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।